सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदी बट गाइस। देखो, बहुत दिन हो गए भाई, कम से कम 15 से 18 दिन तो हो गए होंगे वीडियो बनाए हुए, क्योंकि मैं आपको डेली बोल मतलब जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपको हमेशा मैंने एक बात जरूर बोलता हूँ कि भाई अब से डेली वीडियो आया करेगी, डेली वीडियो आया करेगी। लेकिन भाई चीज़ें पता क्या, अब शेड्यूल गड़बड़ बैठ रहा है आईपीएल की वजह से। अब आईपीएल के मैचेस ना चल रहे हैं तो उसकी वजह से लोड गड़बड़ बैठ रहा है, और डेली मैचेस हो रहे हैं। तो जब से आईपीएल खत्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद तो डेली में वीडियो डाला करूंगा, आप देख ही लेना। ठीक है, सीधा क्रैश गेम पे क्लिक करते हैं भाई, विदाउट टाइम वेस्ट करें, क्योंकि वीडियो वैसी लंबी हो जाती है क्रैश गेम की। तो आईडी में 780 है, थोड़ा अलग मेथड ट्राई करेंगे। इन्वेस्टमेंट 2000 से शुरू करता हूँ मैं, ठीक है। और निकालूंगा कैसे, बस उस पर डिपेंड करना है भाई। पैसा कितना भी वो लगा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि कितने पे इन्वेस्टमेंट करनी है। 1.05 पे अपना क्रैश हो गया, पहली बैटी अपनी क्रैश हो गई है, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको डबल करेंगे और इसको 1.5 के और से निकाल देंगे। तरीका मैंने आपको बता रखा है कि भाई डबल करो, 1.5 के और से निकाल दो। 1.5 का और 2 या 3 चाल में आता है, तो इतना बैकअप आपको हमेशा रखना है। सीधी इसके लिए सी बात यह है, ठीक है। और आ जाएगा, उसकी बात टेंशन नहीं है। देखो आ गया, सीधा अपना जितना था वो हो गया, और थोड़ा प्रॉफिट भी हो जाता है इससे, ठीक है। अब शुरू से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। अलग ट्राई करेंगे, थोड़ा सा मेथड अलग है, लेकिन आप ना आईडी में बैलेंस देखो। मैंने हमेशा बताया कि आईडी में बैलेंस जो है ना मिनिमम 10K तो आपको रखना है। स्टार्ट आपको आप 100 रुपये से भी कर सकते हो भाई, कोई ज़रूरी थोड़ी ना, 20 रुपये से भी कर सकते हो। मेरे में 20 रुपये का भी ऑप्शन है, किसी के में 40 का भी आता है, लोकेशन के हिसाब से वो डिफर करता है। अब 20 रुपये से भी लगा, कोई ज़रूरी थोड़ी है। वो डिपेंड करता है ना कि आप कितना प्रॉफिट करना चाहते हो, कितना जल्दी करना चाहते हो। आपके पास हो सकता है पूरे 24 घंटे हो भाई, तो आप 20 रुपये से करो, दिन में 1000 कमाओ। वही चीज़ है सारी, बस निकालना कैसे उस चीज़ पर डिपेंड करना है। और अगर बाई चांस कोई लॉस हो बैट, उसको कवर कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। मैंने कर दी प्लेस बैट प्यार से, 360 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। मैं फिर प्लेस कर दूंगा बैट, 785 है, इसको कर देंगे 50-60 के ऊपर ही कर देंगे इसको। 50-60 हज़ार तो करेंगे ही प्रॉफिट, इससे ज़्यादा ही करेंगे, ठीक है। और इसको हमने फिर से निकाल लिया। अब देखो तुम्हें इसमें क्या डिपेंड कर, इसमें क्या देखना है, अगर तुम्हारी बैट कम पे फट रही है ना, जैसे मान लीजिए अभी कम पे फटी है, तो अगली बार लगाओ। मतलब कि तुम है ना बेट भी कर लिया करो, ऐसा नहीं है कि भाई सारी बैट खेलनी है। अगर तुमको लग रहा है 2-3 बैट 2 के ऊपर की जा रही है, 3 के ऊपर की जा रही है, तो उसको देख लो पहले आराम से, फिर जब जैसी कम पे फटे कोई बैट उसके बाद आप लगाओ। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई सारी बैट खेलनी है, क्योंकि सारे बैट खेलोगे तो एक बैट तो लॉस होगी ना आपकी, तो उसमें भी होगा। अब जैसे ये 1.75 गया, ठीक है, अब आपने फिर बैट लगा दी, एक दो बैट का आप रेस्ट भी लिया करो, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि सारी बैट लगातार आपको खेलनी है, ठीक है। अब जैसे ये 1.01 पर फट गया, अब इसको भाई देखो 2000 का लॉस हुआ, अब इसको क्या डबल करना है और इसको 1.5 से निकाल देना है, ठीक है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि जितने गए हैं उतने लगाओ, 2 के आउट से निकाल दो, 2 के आउट से बराबर से निकलेगा तो प्रॉफिट भी कवर हो जाएगा और वो भी सब कवर हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो तरीका है भाई, ये ना 3 से 4 चालों में आता ही आता है कन्फर्म, जैसे एक बारी में नहीं आया तो दूसरी बारी में आ जाएगा। तो इतना बैकअप आपको हमेशा लेके रखना है, जिससे कि आपका प्रॉफिट बढ़िया हो जाए, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ना प्लेस बैट करूँगा जब कम पे फटेगी ना, तब मैं हाई इन्वेस्टमेंट करूँगा, ठीक है। आपको भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सारी बैट खेलो, कोई ज़रूरी नहीं है भाई। अब देखो ये 1.22 पे खटा है, अब देखो बहुत सारे चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 70 से 80% चांसेस है कि अब ना 1.2 से ऊपर ही जाएगा, 1.22 से ऊपर ही जाएगा। तो आपको क्या करना है भाई, इतना तो श्योर है कि 1.22 से ऊपर ही जाएगा, तो उससे पहले ही निकाल सकते हैं, इतना श्योर हो जाएंगे, तो इसलिए आप हाई इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। देखो 1.22 से ऊपर गया, अब क्या करना है, अब आपको रेस्ट करना है, कोई ज़रूरी नहीं है अली बैट खेलने की, आप अपना रेस्ट करो। जैसे ही कम पे फटे तभी लगाना है आपको, ठीक है, जैसे ही कम पे फटे वैसे ही लगाना है। और जितने पे वो फटेगा उतना वो कन्फर्म हो जाता है कि हाँ भाई इससे तो ऊपर ही आएगा इस बार, तो उतने पे आपको निकाल देना है। कुछ नहीं करना भाई, हमें कम पे वेट करना है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि भाई सारी बैट खेलनी है, एक ही से निकालो लेकिन उससे प्रॉफिट हो जाए, वो ज़रूरी है ना, आराम से खेलो। अबे भाई इतनी जल्दी जाके क्या, तुम्हें कहीं पलवेल थोड़ी निकलना है यार, सुबह तुम्हारी कहीं की फ़्लाइट थोड़ी है जो लेट हो जाएगी। आराम से बैठो, इंतजार करो भाई, 10 से 20 मिनट नहीं लगने हैं, लिख के ले लो, 10 से 20 मिनट नहीं लगने। देखो 4 बज रहे हैं, 4:20 तक ना अपना सारा काम निपट जाएगा, देखना तुम। अगर हम वेट भी करके खेलेंगे तो आराम आराम से देख देख के भी खेलेंगे, तब भी हमारा काम निपट जाएगा। कोई ज़रूरी थोड़ी ना कि भाई जल्दी का काम ना, एक तो वैसे भी ख़राब होता है, आराम से खेलो, सोच समझ के खेलो, और ना जब खेला करो, एक ना
पेपर ले लिया करो, मतलब डायरी या जर्नलिस्ट कुछ भी ले लिया करो ऐसा पेपर ऊपर, उस पर लिख लिया करो कि हाँ भाई ये ना अभी कम पे फटा था, अभी 2 से 3 4 चाले हो गई हैं, अब सारी ऊपर ऊपर गई हैं, और ये ऐसे करके 3 बारी में ऐसे एक चाल ऊपर जा रही है, एक चाल कम जा रही है। तो अपना भी ना दिमाग लगाया करो, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि मैं वीडियो की तरह ही बताऊँगा तभी आपको ट्रिक समझ में आएगी। कुछ ट्रिक अपने दिमाग से भी बनाई जाती है भाई, ये ट्रिक मैंने अपने खुद से बनाई है, मैंने किसी का कोई देखा थोड़ी ना है, ये ट्रिक मैं खुद बनाता हूँ, खुद एनालाइज करता हूँ गेम को, खुद खेल के देखता हूँ, तो तुम्हें ये बताता हूँ। अब देखो बहुत देर से कम पे नहीं फटा, अब देखो ये कम पे फटा 1/3-4 पे फटा, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब तो ये है ना, 80 से 90% चांस है कि 1/3-4 से ऊपर जाएगा अब अगली बारी, जब अगली अब होगा ना, अब थ्री अब 1/3 से ऊपर जाएगा, तो अब 1/3 से पहले निकाल देना, तो इतना कन्फर्म हो जाता है। देखा उससे ऊपर गया और हमने 1/3-1 से निकाल दिया, अब ना 27 के 35 मिले, सीधा प्रॉफिट हो गया अपना सीधा। हमको सिर्फ ऐसे ही खेलना है, अब जैसे ही कम पे फटेगा वैसे ही खेलेंगे हम। सो ठीक है फिर, ऐसे ही खेलना है बिल्कुल हमें, जैसे ही कम पे फटे ना बिल्कुल वैसे ही खेलना है हमें, सेम टू सेम। ठीक है अब देखो, देखते हैं हम कब कम पे फटता है, तभी हम बैट प्लेस करेंगे। ठीक है अब ऐसे खेलोगे ना तो आपका प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि एक तो आप रेस्ट भी ले लेते हो बीच बीच में, और आपका प्रॉफिट भी होता रहता है। ठीक है, और पहली बात तो यह है ना कि भाई आपका बजट कितना है और आपने सोचा कितना है, कि अगर आपने सोचा कि मेरे को 10 से 20 हज़ार ही करने हैं, बहुत आराम से हो सकते हैं अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो। और आपने जो भाई वही बात है ना, जिसका जितना बजट है वो उसी हिसाब से प्रॉफिट भी सोचता है। अब जैसे मेरा बजट भाई ज़्यादा है तो मैं प्रॉफिट सोचता हूँ सीधा 1 लाख तक का, वही बात है ना, जिसका भाई बजट ही 10 हज़ार है 20 हज़ार है, वो तो सोचेगा कि मेरे 1-2 हज़ार हो जाए, 3-4 हज़ार हो जाए, बहुत आसान है। तो ऐसे तरीके से आप कर सकते हो, अपना 10 चाल देखो उसमें से एक विन कर लो, कितना आसान है ना। अब अपन भाई देखते हैं कम पे कब फटेगा तब लगाएंगे, मतलब 1/3-1/2 पे जब पे कम पे फटे। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा नोट करना, अगर 1/0-10 पे फट रहा है ना, 1.1 से कम पे या 1.1 पे फट रहा है तो नहीं लगाना, तब रिस्की होता है, तब ना हो सकता है कि अगली चाल भी वो कम पे फट जाए। ठीक है, एक चीज़ बता रहा हूँ भाई, जब भी 1.1 पे फटे ना तो नहीं लगाना, या उससे कम पे फटे तो भी नहीं लगाना, क्योंकि वो हमेशा रिस्की होता है, उससे कम पे हमेशा फटते फटते हैं। 1.2, 1.3, 1.25 के बीच में अगर कम पे फटे तब लगाओ, आराम से भी देख लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ मैंने हमेशा गेम खेल के समझी है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं भाई कब आता है, अपने 8-6 तो हो गए हैं, 7/82 से। ठीक है, इस तरीके से खेलोगे तो बढ़िया प्रॉफिट होगा, आराम से वेट करके खेलो भाई, कोई जल्दी नहीं करनी। मैं समझता हूँ मन करता है कि भाई सारी बेट ऊपर ऊपर जा रही हैं, हम लगा लेते तो हमारा प्रॉफिट हो जाता, ये ना चीज़ दिमाग में आती हैं। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में आती है, तो इस पर नोटिस नहीं करना बिल्कुल भी। अब आप लगा सकते हो 1.2 से निकाल लेना, अगर 1.6 के फट रहे तो, 1.3, 1.4, 1.5 या 1.2 पे फट रहा है तो आप लगा सकते हो हाई इन्वेस्टमेंट करके। ठीक है, अब हमने फिर 1.2 से निकाल लिया, लेकिन आपने इस बार भी दिखा होगा 1.6 से ऊपर गया। ठीक है, अब वेट करते हैं भाई कब कम पे फटेगा। कम पे फटने का मतलब ये है कि 1.5 से कम फटे, 1.5 से ऊपर फटता है तो नहीं लगाना, 1.5 से कम फटे तब लगाना है। ठीक है, बहुत देर से फटा भी नहीं है, फटेगा शायद, फट गया। अब बैट आपको लगा देनी है भाई, 1.20 तक तो जाएगा एली बैट। ठीक है, 1.20 तक एली बैट जाएगी, तो अब आराम से लगाओ, और 1.20 से ना पहले या 1.20 तक कैश आउट कर लेना, मतलब टेक विनिंग कर लेना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है हमने कर लिया टेक विनिंग। ठीक है, ट्रिक बेसिकली ये है ना, जैसे जितने पे कम पे फटे, मतलब कि अगर फटा 1.3 पे तो 1.3 पे अगला और जाएगा, कन्फर्म है वो कि अगला 1.3 पे जाएगा, तो 1.3 पे आपको निकाल लेना है। ठीक है, वेट करते हैं अब कब जाएगा अगला। 1.57 पे गया है, 1.5 का बोला है मैंने, 1.57 का गया है तो आप नहीं खेलना। ठीक है, 1.5 पे जब कम पे फटे तब खेलना आपको, हो सकता है आपको 10 चाल 20 चालों में आप 3 से 4 बारी खेल पाओ, लेकिन 4 बार खेलोगे ना तो 4 बारी आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, मैं भी देखो 8.50 कर दूंगा इससे, इसी ट्रिक से 8.50 कर दूंगा, ये नई ट्रिक है, बिल्कुल फॉलो करना है इसको,
जैसी कम पे फटे, कम पे फटे का मतलब 1.5 से कम फटे, ठीक है, कम पे फटने का मतलब 1.5 से कम फटे, और अगर 1.1 पे फटती है, 1.110 पे फटती है तो तब नहीं लगाना, क्योंकि तब रिस्की होता है, तब ना अगर वो कम पे भी आ जाता है, ठीक है, और उसके बीच में फटता है 1.1 से लेके 1.5 तक, तब आपको अगली वेट जितने पे फटा है उतने तक तो वो आएगी, तो उस पर टेक भी नहीं कर लेना है, ठीक है। कम पे फटने का वेट करना है अपने को, कम पे फटो बाबा जी, कम पे फटो। ये ट्रिक जो है भाई, ये भी मैं खेल खाल के दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बस ऐसी दे दी आपको, इस पर मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट करे हैं तब जाके मैंने आपको ये ट्रिक दी है, ठीक है। अब 1.10 पे फटा है, अब तो भाई आँख मीच के लगा दो, 1.2 से ऊपर ही जाएगा, आँख मीच के लगा दो। अगर 1.0 पे फटे ना, बिल्कुल 0 पे स्टार्ट ही ना हो, तो 1.2 तक तो वो जाता है 100%, टेक भी नहीं कर लो, ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, जा सकते हो लेकिन जाने की ज़रूरत ही क्यों है जब प्रॉफिट हो रहा है। तो पहले मैं सिर्फ ये ट्रिक बताता था कि 0 पे फटे तभी लगाना है, लेकिन उसमें फिर बड़ा टाइम लगता था भाई, 20-30 चालों में एक बार फटती है 0 पे। अब देखना अब कम पे फटेगा ये, ठीक है, 1.5 के अंडर फटा, अब आपको लगा देना है। अब देखो पूरे ना 80 से 90% चांस है कि 1.42 फटा है ना, 1.42 से ऊपर जाएगा, लेकिन आपको ना उससे पहली टेक भी नहीं कर देनी है, ठीक है, उससे पहली टेक भी नहीं कर देनी है आपको। हमने कर दी टेक भी नहीं, देखा मैंने कहा था ना आपको 1.42 से ऊपर ही जाएगा, तो इस टिक का मतलब ये है ना, जितने पे फटा है उस उतना तो वो जाएगा ही जाएगा कन्फर्म, तो आपको उतने पे टेक भी नहीं कर लेनी है जैसे वो उतना हिट हो, ठीक है। ये ट्रिक है, आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो भाई वीडियो को रिपीट मोड पे लगाओ और समझते रहो आराम से, ठीक है। ये 1.2 पे फटा, इस पे नहीं लगाना है, 1.1 से कम पे फटे तब लगाना है, और जितनी भी बैठे हैं सबको वैसे ही बस वेट करना है, इंतज़ार करना है आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई भूल नहीं, ठीक है। वन पॉइंट फाइव नाइन पे फटा, कोई बात नहीं, वेट करो बस, इसी बार में अपना काम हो जाएगा, बस एक बेट दूर है अपन, ठीक है। ट्रिक जो बताइए भाई इसको फॉलो कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको वहाँ बता दूंगा, मतलब कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आपको मेरे को मैसेज कर देना, बस मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। कम पे फटेगा इस बार, फटेगा नहीं फटा, चलो इस बार तो फटेगा ही, चांदनी फट भाई, फट ही नहीं रहा यार गाइस, ये तो फट ही नहीं रहा, लगता है इस गेम की भी फट गई, फटेगा भी, चलो इस बार फटवा देते हैं, बोलना पड़ता है गेम को यार तभी फटता है ये। अब ये फटेगा 100%, 1.5 के अंडर, ठीक है, और ये फटेगा 1.3 या 4 पे, अरे इस बार भी नहीं फटा भाई, 5 से 6 चाले हो गई हैं, 1.5 पे तो फटा ही नहीं है, कम पे सारा 2 के ऊपर ऊपर जा रहा है, और तुम कहते हो प्रॉफिट नहीं हो रहा भाई, इतना और कहाँ तक जाएगा वो, अब देखो तुम्हारे सामने ही है, 5-6 चालें हो गई हैं, सारी 2-2 के ऊपर ही निकाल रहा है, अब
पे नहीं फट रहा, देखो अब फटा है 1.85 पे, अपने को चाहिए 1.5 के अंदर अंदर। तो भाई पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं है ना पेशेंट, नहीं है भाई, अगर नहीं है, चुल हो रही है ना उंगली में, खा जा रही है पीछे, तो मत खेलना गेम को, सारा चला जाएगा भाई। इसमें थोड़ा फोकस और शांत रहना पड़ता है, ठीक है। अब मन तो बहुत कर रहा होगा तुम्हारा कि भाई 4 का आउट जा रहा है, 5 का आउट जा रहा है, 6 का आउट जा रहा है, शायद हम लगा लेते इतने के आउट से निकालते। तो भाई इस तरह के आउट से ना कोई निकाल ही नहीं पाता है, सब ऐसे सोचते हैं कि निकाल लेंगे, कोई निकाल ही नहीं पाता बेचारा डर के। सब सोचते हैं, सबको डर लगता है यार कि कम पे फट ना जाए, कम पे ना फट जाए। जो रिस्क लेता है ना वही जीत पाता है भाई। रिस्क तो देखो हर चीज़ में भाई, रिस्क तो ट्रेडिंग में भी है, मार्केट में भी है, शेयर मार्केट में भी है, हर चीज़ में रिस्क है भाई, रिस्क तो ज़िंदगी में भी है। चलो 1.15 पे फटाइए। अब देखो ये 1.15 से ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये है, जैसे ही 1.15 हिट करे ना वैसे टेक बिनिंग कर देनी है आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1.15 लिखा हुआ है वैसे टेक बिनिंग कर देना, ठीक है। इसका तरीका ये है, जितने पे कम पे फटा उतना तो वो 100% आएगा, तो आपको टेक बिनिंग कर देनी है। बहुत देर बाद आया लेकिन कोई बात नहीं, अपने को वो 7000 और करने हैं अपना, कितने का 50, 60, 70 का, लगभग 70 का प्रॉफिट हो जाएगा। और अपने को 20 मिनट भी नहीं हुए होंगे शायद अभी तक यार, चलो 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 चलो। वन पॉइंट टू थ्री पे फटा, इसका मतलब है 1.23 तक जाएगा। प्लेस फट कर दो, 1.23 जैसा लिखा है यहाँ वैसे टेक विनिंग पे क्लिक कर देना, बिल्कुल भी लेट नहीं करना है क्योंकि 1.23 तक वो जाएगा, ठीक है। ये हमने कर दिया टेक विनिंग और ये अपना हो गया 53,000 का प्रॉफिट भाई। टाइम लगा लेकिन प्रॉफिट हमारा हो गया। अब इसी तरीके से आप भी करके मेरे को मैसेज करना कि भाई हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो अब चलते हैं सीधा, वीडियो को अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, लाइक पर शेयर वेयर सब कर देना भाई अपने दोस्तों दोस्तों को, ठीक है। थैंक यू सो मच।